मैं मना करती हूँ तो तुम मारपीट कर दे मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद तो ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेदारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जा। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे, फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। तू याद रख, वही घर है तेरा, तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक, मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर UFOU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो, हो सकता है रचना के कोई पुराने दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो। सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। यजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या इसका मतलब अजीत की आँख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्स से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो फिर दो ही लोगों को फिर ड्रग किया गया। हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। प्याला सर, हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कॉन्टैक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है। मैम, अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने, हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ट्रक दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है, तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर गया ही ना हो। लेकिन ड्रग दिया कैसे? हो सकता है किसी बाहर वाले का काम हो, रचना के पास में से भी कोई हो सकता है। हेलो, मैं बीकानेर थाने से SI अजय यादव बोल रहा हूँ। मुझे मीनू गोलेचा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में चेक करिए, मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से ASI अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस। सर, इस बुढ़े सोडी ने मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा था, सारा दिन उसी के पीछे पड़ा रहता था, फिर उसे महंगी महंगी गिफ्टें देता था। ये सोने की बैंगल्स भी उसी ने दी थी। सब जब मैंने रोकने की कोशिश की तो सर हाथापाई पे उतर गया। मुझे तो लगता है सर मेरी बेटी के गायब होने में ना इसी का हाथ है। आपको कब पता चला कि नीति मिसिंग है? सर, हम 3 मई को कोल्हापुर गए थे एक शादी में, और नीति घर पर बिल्कुल अकेली थी। 2-3 दिन में शादी में बिजी रही तो उसे फोन भी नहीं कर पाई, और जब हम लोग लौट कर आए तो देखा कि नीति घर पर ही नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। रश्मि, इसे नीति के सारी डिटेल्स ले लो। रश्मि, ये नीति का फोन ट्रेस पर डालो, उसका CDR चेक करो, और हाँ, सोशल मीडिया भी। आजकल के यंग बच्चे जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों को पक्का बताते हैं। सिद्धार्थ, तुतार, सनफ्लावर कॉलोनी जाओ, बलबीर और नीति के अफेयर के बारे में उनका क्या कहना है ये पता करो। हाँ सर। और सिद्धार्थ,
बलबीर के आईटी डिपार्टमेंट्स के केसेस मंगवाओ जिसमें उसने डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया था। सर वो सब तो कर ही लेंगे, पर मुझे क्या लगता है ये बलबीर सोनी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव ये नीति गुप्ता के पास ही था। उसके पास क्या मोटिव होगा सिद्धार्थ? कुछ भी हो सकता है, प्यार, पैसा या फिर प्रॉपर्टी। अरे पर सिद्धार्थ, बलबीर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी ना। तेज तर ना, ये भी तो हो सकता है कि उसने ब्लैकमेल करके करवाई होगी। वाह, मतलब पूरी सोसाइटी जिससे डरती है वो एक यंग लड़की से डरेगा। ये लड़की लोग कितनी डेंजरस होती है पता नहीं आपको? क्यों सिद्धार्थ, देखा नहीं आपने प्रॉपर्टी अपने नाम होती है कैसे मार दिया उसको? अच्छा तुम ये साफ साफ कैसे कह सकते हो कि सर क्या लगता है आपको किसने मारा होगा, लड़की ने या बीवी ने? सुतार, जिस केस का जवाब इतना सीधा दिखता है उसका असली जवाब उतना ही टेढ़ा होता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने बलबीर को मार दिया हो फिर नीति को किडनैप किया हो। सर नीति की सबसे बड़ी दुश्मनी तो बलबीर की बीवी और बेटे से ही थी, बलबीर ने ही नीति को उनके हक का सारा माल दे दिया था। हो सकता है। रश्मि, अनु और दलजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइलों को चेक करो। और हाँ, सिंसियर लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट नहीं। सॉरी सर। सर मैं बलबीर जी से बचने के लिए दूसरे रास्ते से ऑफिस जाती थी, पता नहीं वो कब कहाँ क्या बोल दे। सर बलबीर अंकल को तो हर बात से प्रॉब्लम थी, हमारे बाहर खेलने से लेके वॉचमैन की रेडियो सुनने तक, और पिछले हफ्ते तो उनकी वॉचमैन पांडे जी के साथ लड़ाई भी हो गई थी। इधर आ, क्या हो गया साहब? बहुत छेड़ने का शौक है तेरे को, क्या बोल रहा था तू? मैं क्या बोल रहा था? क्यों मैडम हमें भी हाथ घुमाने का मौका दो ना। अरे मैंने नहीं बोला था साहब, सब तो झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। किस हाथ से घुमाएगा? किस हाथ से ना? अरे साहब मर जाएंगे, चोरी के कितने मारोगे, मर जाएगा बेचारा यार। ऐसे आदमी का मर जाना अच्छा है। नहीं छोड़िए इसे, आइंदा ऐसी हिमाकत की ना तो जान से जाएगा। चलो साहब, हम कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं किए। हाँ कुछ नहीं किए, जरा तुम लोग कभी कुछ करते नहीं है ना। बोल अरे साहब, अरे साहब। सर मैंने सोसाइटी वालों से कंफर्म किया, इसने नीति को छेड़ा था। साहब बस थोड़ा सा छेड़े, कुछ किए नहीं साहब। लेकिन साहब वो तो धंधे वाली है तो छेड़ेगा उसे। हमने सुना था कि वो बलबीर वो बूढ़ो उसको खुश रखती थी साहब। वो कुछ भी करती हो पर तुझे उसे छेड़ने का अधिकार किसने दिया? साहब हम अकेले नहीं छेड़े साहब, वो बाकी के भी लार टपकती थी साहब। उसने हमसे बताया था कि वो नीति मैडम और बलबीर आपस में चिपटते लिपटते रहते थे साहब, उसका अपने मालिक के साथ में लफड़ा भी हुआ था साहब। अब है तो मर्द ही ना साहब, और नीति मैडम को देख के किसी का भी मन डोल सकता है। और ये बात नीति ने तुम्हारे मालिक को बता दिया होगा, और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होगा, इसी बात पर झगड़ा हुआ था ना उससे जाने से पहले? झगड़ा हुआ था मेरे साहब के साथ, लेकिन किसी और वजह से। तुम और पांडे तुम भी थाना शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा, समझ गए? सर बलबीर सोनी ने अपनी जॉब के आखिरी साल में कुछ पावरफुल बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया था, कुछ 200 करोड़ का ब्लैक मनी जब्त किया था। 200 करोड़? 200 करोड़ तो बहुत बड़ा मोटिव है मर्डर करने का। इन बिल्डर्स के डिटेल्स निकालो। यस सर। और हां इस बाकी की एलिबाई चेक करो, पता करो कि 4 मई की सुबह ही अपने गांव गया था या नहीं बस से। सर एक और बात है, बलबीर के घर से हमने जो पेपर और सामान जब्त किया था उसमें हमें एक वसीयत मिली है। किससे बनवाई थी? एडवोकेट अरविंद कुलकर्णी। कुलकर्णी? बलबीर सोनी बहुत ही सुलझे हुए और केयरिंग इंसान थे ऑफिसर। और वकील साहब हमारी जिससे भी बात हुई उन सबका कहना इससे बिल्कुल अलग है। आई एग्री, बलबीर जी को गुस्सा आता था, लेकिन उन बातों पर जिस पर हम सब लोगों को गुस्सा आता है और आना चाहिए, बलबीर जी जस्ट हेटेड रॉन्ग। कभी कभी इंपल्सिव हो जाते थे और डिसीजंस लेते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सही कर रहे हैं, फिर चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी सोचे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।